हाय गाइस, वेलकम बैक अगेन टू माय यूट्यूब चैनल नवीन दहिया। ये गाइस लेसन प्लान फोर्थ है, जो आपकी टीचिंग फाइल है सोशल साइंस, उसका लेसन प्लान फोर्थ सिमुलेटेड टीचिंग का। देखिए, मैंने अगर आप फर्स्ट टाइम मेरी वीडियो देख रहे हैं, ये वीडियो फर्स्ट टाइम आप अगर आप वॉच कर रहे हैं, तो माइक्रो टीचिंग के लेसन प्लान मैंने अपलोड कर रखे हैं सोशल साइंस के, और सिमुलेटेड टीचिंग के फर्स्ट टू थर्ड भी मैंने अपलोड कर दिए हैं। आज ये फोर्थ सिमुलेटेड टीचिंग का लेसन प्लान फोर्थ है, तो आज मैं ये अपलोड कर रही हूँ। जिसने भी यहाँ तक फाइल कंप्लीट कर ली है, अब आगे बना लीजिए। ये आप सिमुलेटेड टीचिंग का बचता है, ये एक लेसन प्लान और है फिफ्थ, वो भी मैं अपलोड कर दूँगी जल्दी ही। और आगे बढ़ने से पहले, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, ठीक है। तो ये देख लेते हैं जो लेसन प्लान फोर्थ है सिमुलेटेड टीचिंग का। टॉपिक लिया है लोकतंत्र के परिणाम। फर्स्ट आपने लिखना है विषय वस्तु विश्लेषण। इसमें आपको ये सारी चीज़ें लिखनी है, लोकतंत्र, लोकतांत्रिक समाज, लोकतंत्र के परिणाम, जो भी आप एक कोई टॉपिक लेते हो तो उसमें क्या क्या चीज़ें आती हैं, फैक्टर्स आते हैं, करेक्टरिस्टिक्स जो भी आती है, वो सारी आपको विषय वस्तु विश्लेषण में लिखनी है। फिर आपको सामान्य उद्देश्य लिखने हैं कि उद्देश्य क्या क्या होते हैं, जो हम एक टॉपिक लेते हैं बच्चों को पढ़ाना स्टार्ट करते हैं, उसके आपको नॉर्मल से ये जो ऑब्जेक्टिव्स होते हैं वो बताने हैं। फिर अनुदेशनात्मक उद्देश्य ये लिखने हैं। फिर है सामान्य सहायक शिक्षण सामग्री, जो हम ऑब्जेक्टिव्स जो एड्स हैं वो यूज़ जो करते हैं वो आपको यहाँ लिखने हैं। इसमें आ जाएगा हमारा क्लासरूम, मतलब कक्षा कक्ष, ब्लैक बोर्ड, चौक, डस्टर और पॉइंटर वगैरह। फिर अनुदेशनात्मक सहायक शिक्षण क्या होता है वो आपको यहाँ पे लेना है, लिखना है। जो भी हम मॉडल तैयार करते हैं बच्चों को पढ़ाने के लिए, या फिर हम चार्ट के थ्रू बच्चों को पढ़ाते हैं, वो उसको यहाँ पे आपको लिखना है, ठीक है। फिर है पूर्व ज्ञान परिकल्पना। इसमें क्या आएगा कि जब हम क्लास में एंट्री करते हैं, जो भी हमने अपना लेसन प्लान तैयार किया है उसको हम बच्चों के सामने प्रेजेंट करने से पहले हम ये सोच के चलते हैं, ये अंदाज़ा लगाते हैं कि जो भी हम बच्चों को पढ़ाने जा रहे हैं उसके बारे में कुछ ना कुछ बच्चों को पता होगा, कुछ नॉलेज होगी, तो हम ये सब एज्यूम करके चलते हैं, ठीक है। फिर है पूर्व ज्ञान परीक्षण, एक टेस्ट होता है। जैसे हम क्लास में एंट्री करते हैं, फिर हम बच्चों से कुछ क्वेश्चन पुटअप करते हैं, ठीक है, ये देखने के लिए कि बच्चों को कितना समझ, मतलब जो टॉपिक हम आज कवर कर रहे हैं या जो पढ़ाने जा रहे हैं उसके बारे में कितना पता है और कहाँ तक पता है, इसके बारे में हम एक टेस्ट लेते हैं बच्चों से, ओरल टेस्ट होता है। नेक्स्ट पेज पे देखते हैं वो किस तरह से। ये देखिए, यहाँ पे दो चार क्वेश्चन पुटअप किए जाते हैं बच्चों से इस तरह से, ठीक है। टीचर के जो टीचर जो आप होंगे क्लासरूम में, तो बच्चों से जो क्वेश्चन पुटअप करने हैं वो यहाँ लिखने हैं, जो आपने माइक्रो टीचिंग में भी किए हैं। फिर यहाँ पे होने के बाद, ये सब क्वेश्चन पुटअप होने के बाद, लास्ट में जब नो रिस्पॉन्स आएगा बच्चों का, फिर आपको यहाँ पे अपना जो विषय है, देखिए विषय में तो आपका सोशल साइंस आएगा, लेकिन उप विषय में आपका वो आएगा जो आपने टॉपिक लिया है, ठीक है। फिर हम अपने टॉपिक का अनाउंसमेंट करते हैं कि आज हम ये पढ़ने जा रहे हैं, फिर हमारा प्रस्तुतिकरण होता है। फिर उसके बाद देखिए, यहाँ पे फर्स्ट आपको लिखना है शिक्षण बिंदु, फिर लिखना है छात्र अध्यापिका क्रियाएं। अगर आप मेल हैं तो अध्यापक आ जाएगा, फीमेल है तो अध्यापिका क्रियाएं। सिर्फ कॉपी नहीं करनी है इसकी, अगर आप मेल हैं तो आप यहाँ पर अध्यापक कर लीजिएगा। फिर यहाँ पे स्टूडेंट एक्टिविटीज़ हो जाएंगी, छात्र क्रियाएं। फिर चौक बोर्ड कार्य, देखिए जो भी कार्य, जो काम चलता रहता है क्लासरूम में, ब्लैक बोर्ड पे जो हम लिखते हैं, जैसे हमने कुछ पढ़ाना स्टार्ट किया तो हम मीनिंग लिखते हैं, तो मीनिंग जब हम बच्चों को पढ़ाते हैं, मीनिंग लिख देते हैं ब्लैक बोर्ड पे, वही आपको यहाँ पे एक ब्लैक चार्ट पेस्ट करना है और उसी के ऊपर आपको यहाँ पे लिख देना है जो भी आप एक्टिविटी होगी ब्लैक बोर्ड की, सारी यहाँ पे आएंगी। ये नेक्स्ट पेज है, और देखिए इस तरह से आपको चार्ट पेस्ट करना है, मर्ज़ी आपकी, करना है तो आप कर लीजिएगा, नहीं करना चाहते तो मत कीजिएगा, लेकिन अगर आप नहीं करोगे तो जो इफ़ेक्ट पड़ेगा आपका, वो आपके प्रैक्टिकल के मार्क्स पे इफ़ेक्ट डालेगा।
तो अगर आप अपनी फ़ाइल को इफ़ेक्टिव बनाना चाहते हो या फिर ये लगाना चाहते हो कि हमारी फ़ाइल अच्छी लगे और जो प्रैक्टिकल चेक करने वाले होते हैं या फिर बाहर से प्रैक्टिकल लेने के लिए आते हैं उनको आपकी फ़ाइल बहुत अच्छी लगे, तो उसके लिए आप ये सब कर सकते हो। इसके नीचे जो है वो मैं आपको दिखा दूँगी अभी थोड़ी देर में। ये देखिए, ये उसी के नीचे है जो हमने चार्ट पेस्ट किया था। इस तरह से पूरे पेज पे वो चार्ट पेस्ट नहीं करना है, सिर्फ थोड़ा सा ऊपर इस तरह से जो आप देख रहे हैं इस तरह से ही चार्ट पेस्ट करना है। देखिए यहाँ पे पॉइंट में एक साइड जो शिक्षण बिंदु थे यहाँ पे आपकी हेडिंग्स वगैरह चलती रहेंगी, फिर यहाँ पे स्टूडेंट जो टीचर की एक्टिविटी है वो चलती रहेंगी, मतलब जो आपने लेसन प्लान तैयार किया है जो आप पढ़ाने जा रहे हो बच्चों को सारी एक्टिविटी आपकी इसमें आ जाएगी। फिर आपकी यहाँ पे जो एक और कॉलम देख रहे हो जो विद्यार्थी क्रियाएं थी उसमें आपको यहाँ पे इस तरह से लिखना है। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन पुटअप किए जा रहे हैं बच्चों से, क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं और बच्चे इसका आंसर देंगे, नहीं तो यहाँ पे क्या होगा कि आप जैसे पढ़ा रहे हो बच्चे क्या कर रहे हैं सबकी एक्टिविटी यहाँ आ जाएगी, या फिर देखिए बच्चे लिख रहे हैं, नोट डाउन कर रहे हैं अपने कॉपी में या फिर वो ध्यान से सुन रहे हैं आपकी बात को, तो आप यहाँ उसको लिख सकते हो स्टूडेंट एक्टिविटी में। अगर आप क्वेश्चन पुटअप करते हैं तो यहाँ पर स्टूडेंट में जो स्टूडेंट आंसर देंगे वो आप यहाँ लिख सकते हो। ठीक है, ये हो गया यहाँ पर। फिर देखिए ये ब्लैक चार्ट आपको पेस्ट करना है, हर पेज पे करना है। एक चार्ट जो है बिल्कुल कंपलसरी है एक चार्ट पेस्ट करना। आप अगर आप कर सकते हैं तो दो चार्ट भी आप पेस्ट कर सकते हो यहाँ पे इस तरह से। ये नेक्स्ट पेज है, उसी का अगला पेज है ये, क्योंकि हम परिणाम कर रहे हैं कौन कौन से परिणाम हैं सबके। तो देखिए इस तरह से स्टूडेंट एक्टिविटी में आप देख सकते हैं लिखा हुआ है कि विद्यार्थी उत्तर पुस्तिका में लिखेंगे जो भी आप पढ़ा रहे हो वो अपने नोटबुक में नोट डाउन कर रहे हैं, और या फिर या जो क्वेश्चन पुटअप किए जा रहे हैं स्टूडेंट की तरफ जो टीचर की तरफ से, मतलब आप एज ए टीचर हैं क्लासरूम में जा रहे हो क्योंकि ये लेसन प्लान जो है आपने तैयार करना है, तो आप जो क्वेश्चन पुटअप करोगे बच्चों से वो यहाँ पर आंसर आएंगे स्टूडेंट एक्टिविटी में। ठीक है, यहाँ पर इस तरह से आ जाएंगे और यहाँ पर आपको ये ब्लैक चार्ट पेस्ट करना है। आप चाहे तो दो ब्लैक चार्ट पेस्ट कर सकते हो एक पेज पे, ज़्यादा बेटर होगा वो। फिर ये नेक्स्ट एंड लास्ट पेज है, हमारे जो परिणाम थे वो हमने कंप्लीट कर लिए हैं, सिर्फ इस चैप्टर में सिर्फ हम परिणाम ही कर रहे हैं राजनीतिक जो भी परिणाम थे इसके। ठीक है, लोकतंत्र के परिणाम हम कर रहे हैं, सिर्फ हमने बिल्कुल एक टॉपिक लिया है छोटा सा, और इस तरह से आपको ब्लैक चार्ट पेस्ट करना है और उसके ऊपर भी आपको ये सब लिख देना है। फिर आप सामान्यकरण में क्या आएगा, देखिए स्टार्टिंग में हमने परिकल्पना की थी, पूर्व ज्ञान परिकल्पना, उसमें ये था कि हम पढ़ाने से पहले ये सोच के चलते हैं कि बच्चों को कितना आता होगा उस टॉपिक के बारे में, लेकिन यहाँ पे हम पढ़ाने के बाद ये जनरलाइजेशन करते हैं कि हमने जो पढ़ाया है वो बच्चों को समझ में आ गया होगा, किस लिमिट तक आया होगा, कहाँ तक समझ में आया होगा, ये सब हम सोच के चलते हैं। एक तो हम क्वेश्चन पुटअप पहले करते थे ये जांचने के लिए कि उनको पता कितना है, कितना कहाँ तक उनको टॉपिक के बारे में नॉलेज है, लेकिन लास्ट में हम पढ़ाने के बाद ये क्वेश्चन, बाद में भी हम क्वेश्चन पुटअप करेंगे लेकिन हम बाद में इस तरह से क्वेश्चन पुटअप करेंगे कि हमने जो पढ़ाया है उसी में से हम क्वेश्चन निकालेंगे और बच्चों से पूछेंगे कि भाई हमने जो जितना भी पढ़ा है वो कहाँ तक कितना आपको समझ में आया। ठीक है, फिर लास्ट में आ जाएगा होमवर्क। होमवर्क आपको इस तरह से देना है ब्लैक चार्ट ऐसे पेस्ट करने करके, क्योंकि हम जब बच्चों को काम देते हैं होमवर्क करके लिए तो हम ब्लैक बोर्ड पे ही लिखते हैं, तो आपको भी यहाँ पे ब्लैक बोर्ड जो है वो ब्लैक चार्ट पे शो करना है। फिर लास्ट में आप संदर्भ सूची बनाएंगे, इसमें आ जाएगा आपका जो सब्जेक्ट है, आपने किस टीचिंग सब्जेक्ट को चूज़ किया है, कौन से टीचिंग सब्जेक्ट की आप फाइल बना रहे हो। ठीक है, फिर आपने कौन सी क्लास को पढ़ाया ये सब आ जाएगा, और आपने बुक कौन सी चूज़ की है बच्चों को पढ़ाने के लिए, एनसीईआरटी की है मोस्टली, तो एनसीईआरटी ही चलती है क्लास में बच्चों को पढ़ाने के लिए, तो आपको यहाँ पर ये तीन चीज़ें ज़रूर लिखनी है।
तो गाइज आज के लिए बस इतना ही. नेक्स्ट वीडियो मैं जल्द ही अपलोड करूँगी सोशल साइंस की, और मैंने इकोनॉमिक्स की, कॉमर्स की और इंग्लिश की भी जो फाइल्स हैं वो अपलोड कर रखी हैं. अगर आपका सब्जेक्ट जो भी है या फिर आपके फ्रेंड्स का सब्जेक्ट जो भी है, आप अपने फ्रेंड्स के साथ भी वीडियो को शेयर कर सकते हो ताकि उनको फाइल बनाने में ईजी हो. और आप कमेंट करके बताइएगा ज़रूर कि आपकी कितनी फाइल बाकी है, वो उसी के हिसाब से मैं आपकी वीडियो जो है अपलोड करूँगी. ठीक है, अगर गाइज आपको वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ भी ज़रूर शेयर कीजिएगा. तो गाइज बाय बाय, टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम. थैंक यू.